घनमूल क्या होता है, जो घनमूल है वो क्या है। तो किसी भी संख्या का घनमूल भी एक संख्या है जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या फिर से हमें मिल जाती है। जैसे 8 लिखा है, इसके फैक्टर किए जाएं तो 2 × 2 × 2 है, तो इन तीन में से एक बार 2 को हम लेते हैं तो ये घनमूल है, और इसको अगर तीन बार मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या फिर से मिल जाती है। तो ये संख्या है और इसका एक घनमूल है, और ये संख्या अगर ली जाए तो ये इसका घन है, ये घन है और इसका, और इसका ये घनमूल है। तो इस तरीके से घनमूल क्या है समझ गए होंगे। जो भी नंबर है उसके फैक्टर करें, तीन तीन के पेयर बनाएं, तीन में से एक बार उस संख्या को लेके मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो जो संख्या मिलती है उसको घनमूल कहते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, बस एक साथ दोनों नहीं हो सकता। जैसे -8 है तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो -2 × -2 × -2 इस तरीके से है। तो इन तीनों में पेयर जब बनाएंगे तो क्या -2 साइन के साथ, तो ये -2 इसका निगेटिव रूट, ये क्यूब रूट मिल रहा है तो इसका एक घनमूल है, तो ये ऋणात्मक है। लेकिन अगर वहीं +8 होता तो ये बनता 2 × 2 × 2, ये तीनों पॉजिटिव थे तो ये +2 आता। मतलब घनमूल में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों घनमूल निकलते हैं, जबकि स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं था। अगर स्क्वायर रूट में क्या था, -2 और को -2 से मल्टीप्लाई करते तो +4 हो जाता, चाहे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आएगा, और -2 को -2 से करें तब भी 4 ही आएगा। यानी 4 का जो रूट होता है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है, -2 और +2 दोनों होता है, यूं कह लें ±2 होता है। तो इस तरीके से ये रूट है और ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट में निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, बस दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है घनमूल पर ही आधारित है, अभी किसी एग्जाम में आया हुआ है तो आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर n - 2 पावर n - 1 = 4, और पूछता है n की पावर n की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये नंबर, और यहां पर ये -1 का मतलब होता है ये अपॉन में है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n - 2 की पावर n / 2 = 4। अब यहां पर हम 2 की पावर n को x मान लेते हैं, अगर x मान लें तो देखिए x माइनस ये भी है x / 2 = 4, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। अब इसको भी सॉल्व करें तो देखिए x है और x / 2 है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा x / 2 = 4, तो x कितना आएगा, x आ गया 8, x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई तो x क्या था, x था 2 की पावर n, तो 2 की पावर n = 8। तो यहां 2 बेस है तो यहां भी 2 बेस बनाइए, तो देखिए क्या 2 की पावर n = 2 की पावर 3, भाई 2 × 2 × 2 ये 8 हो जाता है, तो इसके जब फैक्टर करेंगे 8 के तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो वहां यहां हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेस देखिए दोनों में सेम है तो n = 3 आ गया, n आपका 3 आ गया। अब जो वैल्यू पूछी जा रही है उसमें इस वैल्यू को फिट कर दीजिए, तो क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था n, n कितना आया था 3, तो
थ्री पावर थ्री, भाई n आपका अभी थ्री आया था तो थ्री की पावर थ्री कर देंगे तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये हो गया थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो आएगी n की पावर n इज इक्वल टू 27 मिल जाएगा। ये एक हिसाब से ये क्यूब रूट के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा बताया जाए, देखा जाए कैसे हम इसको सेट कर लेते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं रोज अच्छे अच्छे वीडियोज डाल रहा हूँ। धन्यवाद।